हेलो स्टूडेंट्स, साइंस क्लास सिक्स चैप्टर सिक्स चेंज अराउंड अस, ये आज का हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस, कि हमारे आसपास हमारे चारों तरफ क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, जो हम अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, एवरीडे लाइफ में जो हम उसको देख रहे हैं, हमारे आसपास और हमारे अंदर क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। ओके, व्हाट अ फन वुड इट बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। ये बात क्या कह रहा है कि क्या गजब हो जाएगा अगर हमें कोई जादू की पावर मिल जाए तो, ठीक है। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज दिस थिंग्स अराउंड यू। अगर आपके पास कोई अचानक से अगर जादुई शक्ति आ जाती है तो आप क्या क्या चीजों को बदल सकते हो, जो आपके आसपास कोई भी चीज आप उसके अंदर क्या क्या बदलाव ला सकते हो अगर आपको कोई जादू की शक्ति मिल जाएगी तो। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप चेंज करना चाहोगे। फिगर में आपको दिखा रखा है, ये लड़का सोच रहा है कि अगर मेरे पास जादू की शक्ति आ जाएगी तो मैं अपने आसपास क्या क्या चीजें बदल सकता हूँ, ठीक है, मैं राजा बन सकता हूँ, मैं महल को हवा में उड़ा सकता हूँ, मैं अपनी नाक को खींच के लंबा कर सकता हूँ, मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, मैं जो कुछ भी बनाऊंगा वो एज इट इज बन जाएगा, ठीक है, मैं बादलों में उड़ सकता हूँ। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, बट हमारे पास ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं आएगी, ठीक है। ऑफ कोर्स बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, लेकिन हम कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मे थिंग्स, शायद वो कौन कौन सी चीजें हैं, कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व, ठीक है, बिना जादुई शक्ति को इन्वॉल्व किए ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, बिना मैजिकल पावर का यूज किए। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन, ठीक है, अपने आप कुछ ऐसे चेंजेस है जो अपने आप हमारे चारों तरफ हमें देखने को मिल जाते हैं और वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपने अगर कोई फसल को फील्ड के अंदर क्या किया है, ग्रोन किया है, उगाया है, तो आप देखते हो कि 1 वीक के बाद या फिर 2 वीक के बाद उसका जो साइज है ना क्रॉप का, वो डे पर डे इंक्रीज होता रहता है, तो उसमें भी चेंजमेंट आ रहा है। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स, जो भी फसल है जैसे गेहूं है, वो चेंज हो रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, आपने देखा होगा कि पेड़ से जो हरे पत्ते होते हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं, उसके बाद येलो कलर हो जाता है, येलो कलर होने के बाद वो सूख जाते हैं, सूखने के बाद वो पेड़ से डीअटैच हो जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं टूट के। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे, फ्लावर खिलते हैं उसके बाद क्या होता है, फ्लावर मुरझा जाते हैं, वो भी तो चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। और आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, और आपके शरीर में ऐसे क्या क्या बदलाव होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। योर नेल्स ग्रो, आपके जो नाखून हैं, ठीक है, वो ग्रो कर रहे हैं। योर हेयर ग्रो, आपके हेयर जो हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। यू ग्रो टलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो, जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं आपका वेट क्या है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, और आपकी हाइट क्या है वो भी लंबी होती जा रही है, तो आपके अंदर भी ये चेंजमेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? क्या आपने कभी realize किया है, ठीक है, earlier that so many changes, कौन कौन से बदलाव हुए हैं, are taking place around you all the time, समय के according ऐसे कौन कौन से changement हुए हैं, आओ देखते हैं आगे। Can some of the changes be grouped together? कुछ changes ऐसे होते हैं जो group में होके चेंज होते हैं और वो इकट्ठा हो जाते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन देम, अब देखते हैं उसमें कौन कौन से सिमिलरिटीज होती है जो ग्रुप चेंज होते हैं। 6.1 क्या कह रहा है, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, क्या जितने भी चेंज हुए हैं वो दोबारा अपनी पोजिशन पे आ सकते हैं। कहने की बात यह है कि जैसे आपने अभी एक गुब्बारा लिया है, उसमें हवा भरी है, हवा भरने के बाद वो फूल गया, तो फूलने के बाद आप उस बलून की हवा निकाल के उसको वापस उसी पोजीशन पे उसी साइज पे आप लेके आ सकते हो, ठीक है, तो रिवर्स हो गया वो, मतलब पहले जैसा था वो हवा भरने के बाद वो फूल गया, अब हवा निकालने के बाद वो अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे कि रिवर्स जाओ, ठीक है, वो काम अपनी पोजिशन पे दोबारा आ गया, ठीक है। एक्टिविटी 1 क्या बोल रही है, टेक अ बलून एंड ब्लो इट, आपने एक बलून लेना, उसमें हवा भरनी है, टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, और ये ध्यान रखते हुए हवा भरनी है कि वो
ब्रस्ट ना हो जाए। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड, आपको बलून का शेप और साइज चेंज होता हुआ नजर आएगा। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून, अब आपने क्या करना है, जो बलून में आपने हवा को फिल किया है अब उसको बाहर निकाल दो हवा को, ठीक है। जैसे लड़की ने कर रखा है आप घर पे भी करके देख सकते हो। एक्टिविटी टू में क्या करना है, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। आपने एक पेपर लेना है, ठीक है, और पेपर लेने के बाद उससे क्या बनाना है, एक रॉकेट बनाना है, ठीक है। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इन टू अ टॉय एरोप्लेन, ठीक है, एक एरोप्लेन बनाना है आपने, और यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, और आपने ये प्लेन बनाने के बाद आपने खूब सारा एंजॉय करना, उसके साथ खेलना, उसको उड़ाना है, ठीक है। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, और वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, अगर जब आप खेल खेल के खूब थक जाओगे तो अनफोल्ड द पेपर अगेन, उसके बाद आपने जो एरोप्लेन बनाया है उसको वापस पेपर को खोल के आपको इस शेप में लेके आना है, ठीक है। एक्टिविटी थ्री क्या बोल रही है, टेक सम डो एंड मेक अ बाल, आपने एक ऐसा आटा लेना है उसमें पानी मिक्स करके उसका डो बनाना है, और फिर आपने क्या करना है, ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, ठीक है, उसको फिर चकले की और बेलन की हेल्प से आपको उसको रोटी रोल आउट करनी है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप, अगर आपके अकॉर्डिंग जो शेप जो आप चाहते हो रोटी की अगर वो नहीं बन रही है तो आप क्या करोगे, उस रोटी को दोबारा विश टू चेंज, दोबारा चेंज करना चाहोगे इट बैक इन टू अ बाल डो अगेन, वापिस से उसको डो बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट द थ्री चेंजेस, आपने तीन एक्टिविटी पढ़ी है और तीनों के बारे में आपने देखा है। यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 and 3 व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, तीनों में क्या कॉमन नजर आया आपने, मतलब तीनों एक्टिविटी में हमें वो चीज रिवर्स्ड मिल रही है, ठीक है, वो पहले वाली शेप में भी आ सकती हैं, ठीक है। व्हाट इज पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, यस, क्या ये पॉसिबल है कि जो बलून को आपने हवा के साथ फुलाया था आप उसको पहले वाली पोजीशन पे आप लेके आ सकते हो, हाँ लेके आ सकते हैं हवा निकालने के बाद। वाज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन, क्या एरोप्लेन बनाने के बाद इसको खोलने के बाद वापस ये हमें शेप और साइज का पेपर मिल जाएगा, यस हमें मिल जाएगा अगेन, ठीक है। तीसरा है व्हाट डू यू कंक्लूड, व्हाट इज वाज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बाल ऑफ डो अगेन, दोबारा आप ए रोटी से वापस डो बना सकते हो, हाँ बना सकते हो उसको, ये भी क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो तीनों एक्टिविटी में हमें कॉमन ये निकालना है कि जो तीनों जो भी वर्क हुआ है वो रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। What do you conclude in each of three activities? क्या निष्कर्ष निकाला है, यह निष्कर्ष निकाला कि is it possible to get back to the material with which we started our activity? If the answer is yes, तीनों के आंसर yes आएंगे, it means that the changes occurring in these activities can be reversed. जो भी change हो रहे हैं वो उस activity के अंदर reversed भी हो सकते हैं, मतलब वो दोबारा भी हो सकते हैं और दोबारा भी उसको हम बना सकते हैं। Now let us repeat The सेम एक्टिविटीज विद अ डिफरेंस, अब आगे एक एक्टिविटी फोर देखते हैं उसमें क्या बता रखा है जो इनसे बिल्कुल अलग है। एक्टिविटी फोर में क्या है, टेक द सेम बलून, आपने वही बलून लेना जो आपने एक्टिविटी वन में लिया था, ब्लो इट टू इट्स फुल साइज, उसमें हवा भरनी है एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली, ठीक है, और उसको एक धागे के साथ उसको एक टाइटली टाइट करके उसको रखना है, और प्रिक इट विद अ पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल और ऊप्स इट ब्रस्ट, आपने क्या करना है फूलने के बाद बलून के अंदर एक निप डालनी है जिससे वो ब्रस्ट हो जाएगा। फूट गया गुब्बारा, एक्टिविटी फाइव में क्या देखेंगे, टेक द सेम पीसेज ऑफ पेपर और विच यू यूज इन एक्टिविटी टू, अब वही पेपर लेना जो आपने एक्टिविटी वन टू में लिया था और यहाँ पे एक एरोप्लेन बना के उसको सीजर से आपको कट करना है, ठीक है, कट करने के बाद ये बाहर निकाल लिया, ठीक है। ड्रा एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन, एक्टिविटी सिक्स में क्या करना है, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बाल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा, फिर आपने वो जो रोटी को क्या किया था आपने